नमस्कार, वन इंडिया हिंदी की खास पेशकश रन बाकुरे में आपका स्वागत है। मैं हूँ विकास कुमार। आज हम इस खास शो में बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिसकी वीर गाथा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हम बात करेंगे कारगिल जंग के हीरो कैप्टन मनोज पांडे की। वही मनोज पांडे जिन्होंने कारगिल में कुकरथांग, जबू टॉप जैसे चोटियों पर दोबारा कब्जा कर लिया था। इसके बाद उन्हें खोलावार चोटी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। खोलावार सबसे मुश्किल लक्ष्य था। इस पर चारों तरफ से पाकिस्तान का कब्जा था। पाकिस्तानी ऊंचाई पर तैनात थे। ये चोटी इसलिए अहम थी क्योंकि ये दुश्मन का कम्युनिकेशन हब था। इस पर कब्जा करने का मतलब था कि पाकिस्तानी सैनिकों तक रसद और अन्य मदद में कटौती होना। इससे लड़ाई को अपने हक में किया जा सकता था। कमांडिंग अफसर के निर्देश के मुताबिक दो टुकड़ियों ने रात में ही चढ़ाई करने की योजना बनाई। एक बटालियन मनोज पांडे को दी गई। मनोज की चोटी पर बने चार बंकर उड़ाने का आदेश दिया गया। जब मनोज ऊपर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ऊपर चोटी पर छह बंकर हैं। हर बंकर में दो दो मशीन गने तैनात थी। ये लगातार गोलियां बरसा रही थी। कैप्टन मनोज एक एक कर दुश्मनों के सारे बंकर को तबाह करने लगे। पहले बंकर पर हुई आमने सामने की लड़ाई में मनोज ने दो पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। दूसरे बंकर पर भी मनोज ने दो पाकिस्तानियों को खत्म कर दिया। लेकिन तीसरे बंकर की ओर बढ़ते हुए मनोज के कंधे और पैर में दो गोलियां लग गई। मनोज ने बुरी तरह से घायल होने के बावजूद हार नहीं मानी और अपनी पलटन के लिए आगे बढ़ते रहे। इस वीर ने चौथे और अंतिम बंकर पर भी फतह हासिल की और तिरंगा लहरा दिया। लेकिन यहीं पर मनोज की सांसों की डोर टूट गई। गोलियां लगने से जख्मी हुए कैप्टन मनोज पांडे शहीद हो गए। लेकिन जाते जाते मनोज ने नेपाली भाषा में आखिरी शब्द में कहे थे, ना छोड़नू, जिसका मतलब होता है किसी को भी नहीं छोड़ना। भारत सरकार ने मैदान जंग में मनोज की बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया। वही परमवीर चक्र जिसकी सेना ज्वाइन करने के लिए उन्होंने इच्छा जताई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।